जहां पूरी दुनिया में धार्मिक आयोजनों से गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाशित पर्व को मनाया जा रहा है, वहीं सामाजिक संस्था नीफा द्वारा गुरु नानक देव जी के समाज सुधार के संदेश और पर्यावरण के प्रति गुरु नानक सद्भावना यात्रा का आरंभ किया गया, जिसकी शुरुआत आज ऐतिहासिक गुरुद्वारा मंजी साहिब से हुई। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन काल में समाज के सुधार और दुनिया को सही रास्ता दिखाने के लिए चार यात्राएं की थी, जिन्हें चार उदासियां भी कहा जाता है। गुरु नानक सद्भावना यात्रा गुरु नानक देव पातशाह जी के 550 साल प्रकाश पुरब न समर्पित है। गुरु साहब ने अपने जीवन में चार उदासियां कीतियां सी ते जिहड़े ओह रूट ते गए सन चार यात्रावां दे विच, लगभग 40,000 मील जिहड़ी है ये यात्रा जारी है, जिहदे विच पाकिस्तान, सऊदी अरब, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पूरा इंडिया, नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, ये सारी जगह चार हिस्सों वंड के यात्रा होएगी। ये पहला फेज जिहड़ा है अज शुरू हो रहा है, जिहदे विच असीं पाकिस्तान जा रहे हैं। बाबा सुखा सिंह जी की अगवाई दे विच साढ़े 11 मैंबर जिहड़े ने ओह पाकिस्तान जाणगे, बाकी सारे रूट ते 55 मैंबर जाणगे। तो पाकिस्तान तो आके असी जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लेह लद्दाख का यह पहला रूट जिहड़ा करके असी वापस आवांगे। जिहड़ा पूरा रूट है 40,000 मील का, उहदे 100 शहर सिलैक्ट किए गए हैं। हर शहर के 550 बूटा 550 सालों समर्पित लगाया जा रहा है, तो हर पौधे के जी गुरु नानक पातशाह की जन्म भूमि ननकाणा साहब की मिट्टी के पानी जिहड़ा वह पाया जाएगा। उपराला यह है कि जिथे गुरु साहब ने पर्यावरण का, कुदरत का संदेश दिता, लोगों को कुदरत के नाल जोड़िया, उन्होंने 550 साल प्रकाश पुरब से जिथे पूरी दुनिया धार्मिक पक्षों मना रही है, असी समाजिक पक्षों इन्हू मना रहे हैं। गुरु साहब ने जो समाज में नशियां के खिलाफ़ उपदेश दिता, औरत की बराबरी का जो संदेश दिता, जात पात के खिलाफ जो उन्होंने आवाज़ चुकी, कर्मकांडा के खिलाफ़, भरम वहमां के खिलाफ जो उन्होंने आवाज़ चुकी, वो सारा रस्ते में जगह जगह नुक्कड़ नाटकों राही, लाइट एंड साउंड ड्रामे राही लोगों तक पहुँचाया जाएगा। मेन इस यात्रा का जो मंतव है कि गुरु साहब का जो समाजिक पक्ष है उन्होंने लोगों तक लिया जाए। लगभग 40,000 मील की इस पूरी यात्रा को चार भागों में बांटा गया है और पहले रूट में आज डेरा कार सेवा प्रमुख बाबा सुखा सिंह के नेतृत्व में पाकिस्तान के गुरु के दर्शन के लिए यात्रा शुरू हुई। नीफा और शिरोमणि गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस यात्रा की शुरुआत की गई। तो वहीं नीफा अध्यक्ष का कहना है कि पहले पड़ाव में आज यात्रा सचखंड श्री हरमिंदर साहिब अमृतसर पहुंचेगी, जहां से पठारी और वाघा चेक पोस्ट से होकर पाकिस्तान जाएगी। करनाल से न्यूज के लिए केस विर्क की रिपोर्ट।